सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टुडेज न्यू वीडियो। और भाई आज आपका स्वागत है फिर एक न्यू वीडियो के साथ। और भाई आज हम बात करेंगे कि भाई बहुत से भाइयों को कन्फ्यूजन होती है कि भाई हम डीजल गाड़ी लें या पेट्रोल गाड़ी लें, क्योंकि भाई उनको मतलब मेन वो होता है कि गाड़ी एवरेज देती है, कैसे देती है। और ज़्यादा मैं बताऊँ तो भाई एवरेज देखो देती है सही बताऊँ तो गाड़ी डीजल की, क्योंकि होता क्या है कि पेट्रोल जो होता है कि वो जल्दी उड़ जाता है। और कभी भी ना आप एक एक्सपेरिमेंट करना, या फिर आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा कि जहाँ पे डीजल डलता है ना वहाँ पे आपको मिलेगा थोड़ा गीला गीला सा, और जहाँ पे पेट्रोल डलता है ना वहाँ पे मिलेगा आपको बिल्कुल साफ, क्योंकि भाई पेट्रोल ना साथ के साथ उड़ जाता है और डीजल नहीं उड़ता। और मैं बात करूँ भाई गाड़ी के हिसाब से देखने की, तो भाई आप कभी भी कोई भी गाड़ी लेने जाते हो तो भाई आपको उसकी पहले टेस्ट ड्राइव, साथ ही साथ उसकी एवरेज पूछनी चाहिए, देखनी चाहिए और चला के देखनी चाहिए। मेन चीज़ सबसे बहुत से लोग गलती कर जाते हैं। और भाई जैसे कि मेरे पास है ये पेट्रोल, तो भाई अभी मैं बता रहा हूँ जो मेरे भाई ये देख रहे हैं पेट्रोल वीडियो, पेट्रोल वाले देख रहे हैं चाहे डीजल वाले देख रहे हैं, ये दोनों पे काम करेगी चीज़ ये। मतलब कि सबसे मेन चीज़ जो होती है भाई एवरेज निकालने के लिए वो होती है भाई आपकी ड्राइविंग के ऊपर। ड्राइविंग के ऊपर मतलब कैसे, अब मतलब मान लो ये थोड़ा हिस्सा है, अब देखो आगे वहाँ पे वो ब्रेकर है, मेरे को पता है कि इतनी दूर ब्रेकर है तो मैं इजीली स्लो स्लो चला रहा हूँ और ज़्यादा मतलब गियर यूज़ पलटे नहीं, उसी गियर में सेम पे और स्लो स्लो स्पीड पे। अब देखो जैसे ब्रेकर आया अब नॉर्मली, अब मैं चाहता तो वहाँ से थर्ड गियर भी लगा सकता था, फोर्थ गियर भी लगा सकता था। तो भाई ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको मतलब जितना हो सके ना उतनी गाड़ी को स्मूथ चलाना है, जितना हो सके उतने आराम से गियर लगाने हैं। और रही बात एवरेज निकालने की, तो भाई एवरेज तो देखो गाड़ी ऐसे नहीं देती, निकालनी पड़ती है। जो ये मैं चला रहा हूँ फोर्ड इकोस्पोर्ट, भाई इसकी एवरेज आप मानोगे नहीं, यह पेट्रोल वेगेंट इसकी एवरेज मैंने निकाली हुई है लास्ट कम से कम भी 22-23 की, वो भी इजीली। वो कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा साथ ही साथ। और भाई बहुत से कहते हैं कि भाई पेट्रोल गाड़ी एवरेज नहीं देती, ये नहीं देती, मुश्किल से 8-9 की पेट्रोल पीती है। भाई मेन चीज़ सही बताऊँ ना, उनको चलानी नहीं आती, चलानी तो आती है लेकिन वो चलाते हैं थोड़ी अपने हिसाब से, मतलब कि गियर को ज़्यादा अल्टी पल्टी और जितना ज़्यादा क्लिच वगैरह दबाओगे ना उतना ज़्यादा गाड़ी तेल पिएगी। तो भाई अब एक ये चीज़ देखना, अब ये चल गई गाड़ी थर्ड गियर में, ठीक है, और हमेशा आरपीएम आपका होना चाहिए 1-2 के बीच में, अगर आपको एवरेज निकालनी है तो आरपीएम होना चाहिए 1-2 के बीच में। और जितना हो सके स्मूथली गियर बदलो, पूरा क्लच दबाओ अंदर तक, फिर इजीली छोड़ो। और ये देखो अब ये मैंने लगा दिया 5वां गियर, अब ठीक है भाई अब आपके सामने होगा जो होगा। और मैं बता देता हूँ भाई ये इसका एवरेज का है, देख ठीक है अभी पीछे थोड़ा ट्रैफिक है। हाँ तो भाई ये देख लो आप खुद ही आरपीएम कितने पे गाड़ी का, 1-2 के बीच में, ठीक है, और स्पीड है 50 की। अब आप खुद ही एवरेज देख लो एक बार, ये देखो कितना दिखा गया, ये पेट्रोल गाड़ी है, ये दिखा गई कम से कम भी 24-23 की, और ये एग्जैक्ट है बिल्कुल, ये नहीं है कि खराब है वो है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। और इसी स्पीड पे कंटिन्यूसली रखो, चाहता तो भाई मैं ये भी हूँ कि भगा भी सकता हूँ इसको, लेकिन मेरे को भगा के भाई जाना कहाँ है, भगाऊंगा जब भी उसी टाइम पहुँचूंगा, स्लोली चलाऊंगा जब भी उस टाइम पहुँचूंगा। तो भाई जितना हो सके स्लोली स्लोली, मतलब ज़्यादा नहीं, अब खुद ही देख लो 30+ गई है ऐसे, और मैं कंटिन्यूसली इसी स्पीड पे कहा ना, तो भाई मान लो सेम टू सेम डीजल गाड़ी की मैं इसकी लास्ट एवरेज निकाल दूंगा 27-28 की आराम से, बड़े ही प्यार से पेट्रोल में, और इसका एसी है ऑफ। तो भाई आपको जो भी क्वेश्चन है कौन सी भी गाड़ी की एवरेज निकालनी है, लास्ट कितनी जाती है, क्या है एसी के साथ, एसी बंद में, लॉन्ग रूट पे, जो भी XYZ क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और ना लगे तो भाई जो मेरे से गलती होगी वो भी आप कमेंट में बता दिया करो। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई कमी रहेगी हो तो माफ़ करना, और जिससे भी कुछ भी रिलेटेड चाहिए वो आप कमेंट में सेक्शन में कमेंट कर देना। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।